आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ बोले। वो तुम्हें सड़क पर क्या हो गया था? चोट मुझे लगी थी पर हालत तुम्हारी खराब हो गई। नहीं घबरा रही थी जैसे मुझे कुछ सीरियस हो गया हो। और गले भी लगा लिया। वैसे वो गले क्यों लगाया तुमने? कोई थेरेपी से इलाज करी थी क्या? इलाज ही करी थी, इलाज के बहाने कुछ और है। तो कहीं तुम्हारे दिल में मेरे कोई फीलिंग्स तो नहीं आ रही है ना? अगर आ रही हो तो तुम्हें बॉन्ड कर लेता हूँ। तन्नु को पता चल गया ना कि तुमने मुझे ऐसे बिना किसी वजह के गले लगा लिया था, तो तुम्हारी वो हाल करेगी, फ्लॉलेस विक्ट्री कर देगी वो। मुझे कोई डर वर नहीं लगता आपकी तन्नु से। और मैं क्यों डरूं? डरना तो आपको चाहिए, शादी तो आप करने वाले ना उसके साथ। आपको शादी से पहले ऐसे किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। क्या बोल रही हो तुम? मैं तो फ्लर्ट वर्ट थोड़ी करा था। अच्छा फ्लर्ट नहीं कर रहे थे? अच्छा चलिए, मैंने तो हक किया सो किया। मुझे लगा कि आपको कहीं चोट ना लगी हो, मैं डर गई थी, घबरा गई थी, तो मैंने हक कर लिया। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। इतनी रात को कौन फोन कर रहा? आई होप प्रज्ञा ही उठाए। हेलो हेलो, हाँ जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी बोला। हेलो हाँ जी कौन? हेलो हेलो, प्रज्ञा किसको हेलो हेलो कर रही है बेटा? किससे बात कर रही है? पता नहीं माँ, किसका फोन है, आवाज ही नहीं आ रही। मुझे लगता है क्रॉस कनेक्शन लग गया होगा। वो तो वहां से बोल रहा होगा लेकिन तुझे ही आवाज सुनाई नहीं दे रही। रख दे। कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं, एकदम करेक्ट कनेक्शन। क्या मतलब दादी? मतलब ये कि जब तूने फोन उठाया तो तुझे उधर से कोई आवाज सुनाई दी? आवाज ही तो नहीं आ रही थी दादी, शायद लाइन खराब हो। लाइन खराब नहीं बेटा, किसी की नींद खराब हो गई। इतनी नींद किसकी खराब हो सकती है? ओहो तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? अरे भाई, आशिक जो है अपनी माशूक के सपने देखना चाहता है लेकिन नींद उड़ गई। बात करना चाहता है तो गले से आवाज नहीं निकलती, इसलिए फोन करके तेरी आवाज सुनना चाहता है। एक मिनट भी, आपको कैसे पूरा यकीन है कि ये फोन जो है ना अभी का ही है? हाँ माँ, और उन्हें फोन करना होता तो मुझे मोबाइल पे फोन कर लेते। हाँ हाँ क्यों नहीं, मोबाइल से बात करेगा तो उसे बोलना पड़ेगा ना, वो खुद बोलना नहीं चाहता, किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, बस सिर्फ तेरी आवाज सुनना चाहता है। और देख लेना तो दोबारा तुझे फोन करेगा। वाओ कितना अच्छा लग रहा था उसकी आवाज सुन के, जैसे कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट सुन रहा हूं। अब मैं चैन से सो पाऊंगा? नहीं यार, एक और बार सुन लेता हूं, अच्छे से नींद आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी बोल रही हैं वैसे। ये बाल के मैंने धूप में सफेद किए हैं, शर्त लगा ले अभी उसका फोन आता होगा दोबारा। कुछ फोन वोन? हाँ अब बोलो, हो गई ना मेरी भविष्यवाणी सही? चल अब उससे बात करने दे। हाँ तो ठीक है, मैंने कब मना किया उसे अभी से बात करने को, कर लेगी बात, और मैं कौन सा बीच में बोल रही हूँ। हाँ हाँ तू नहीं रोक रही लेकिन सुन तो रही है ना, तेरे सामने कैसे करेगी उससे बात। चल तू अंदर चढ़ के सो। प्रज्ञा कर ले बात। चलो चल। हेलो, देखिए अब चुप मत रहिए, कुछ बोलिए क्योंकि मुझे पता है आप ही हैं फोन पे। अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है। अरे कौन सी चोरी, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। चोरी नहीं तो और क्या, जैसे चोर बिना आवाज के घर पे आता है ना, वैसे आप बिना आवाज के फोन कर रहे हैं। वो क्या बिना आवाज के, बोल तो रहा हूँ मैं। अच्छा
बोल तो आप अब रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? Yes. I was right. चाल ढाल कद काठी सब निकल के जैसे ही। आने दो सैया, अब इस प्रूफ के साथ मैं उसे पकड़ लूंगा। हमसे भाग कर गया था ना तू, अब तो खुद ही हमारी पकड़ में आएगा। पूरा तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुबह सुबह? दी अच्छा हुआ पा गए। दी आई थिंक मुझे उस आदमी का पता चल गया जिसने मेरा एक्सीडेंट करवाया था और होली पे मुझे मारने की कोशिश की थी। कौन है वो? आप खुद ही देख लो। लग रहा है ना निखिल जैसा? हाँ पूरा भी तो निखिल ही लग रहा है। दी ये वही है। कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया। जैसे ही आंख लगती थी तो मुझे मेरे एक्सीडेंट और होली पे जो हुआ उसके सपने आने लगते थे। और एक बार तो मैं निखिल का नाम लेकर उठाऊं दी। हो ना हो ये वही है। और अब तो इस फुटेज को देखने के बाद मेरा शक और बढ़ गया है। रूप वो हमारे सामने था और हम उसे पहचान नहीं पाए। ये वही थी। मैंने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसको यहाँ बुला लिया। रूप वो यहाँ आ रहा है? हाँ। जैसे ही यहाँ आएगा मैं उसे होली वाले दिन से रिलेटेड कुछ सवाल पूछूंगा जिसको उसे जवाब देने होंगे और वो वहीं फंस जाए। पूरा मुझे नहीं लगता कि निखिल के यहाँ आने से हमारा कुछ फायदा होगा। क्यों? क्योंकि पूरा अगर तुम उसे होली से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछोगे वो कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ से चला जाएगा। और तो और पूरा उसे यहाँ बुलाकर हम उसे साफ साफ बता रहे कि हमें तुम पे शक हो गया है, तुम खुद को बचा लो। हम उसे पकड़ने की जगह उसे बचने का मौका दे रहे। उसे पकड़ने का एक ही तरीका पूरा। कैसे? उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उस पर शक हो गया। पर दिया हम उसे पकड़ेंगे कैसे? पूरब देखो हमें इतना तो पता है कि वो निखिल कुछ काम वाम तो करता है नहीं, इसलिए उसने जो कुछ भी प्लानिंग की होगी तुम्हारे एक्सीडेंट के लिए या तुम्हें मारने के लिए उसका कोई ना कोई सबूत उसके घर पे जरूर होगा। हमें वहां ढूंढना चाहिए। दिया आई थिंक आप सही कहते हो। उसके घर से हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन अभी का क्या करें? अभी तो वो यहाँ आने के लिए निकल चुका है। उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया। अब तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है यार। ऐसा लग रहा है कि बहुत गहरी नींद से उठा। गहरी नहीं, बहुत लंबी नींद से सो के उठा है। अबे ये पढ़ और ये गाना सुन। हाँ देख। आपने जिस काम के लिए मुझे जल्दी बुलाया था वो हो गया, ये लीजिए। थैंक यू। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम करो, इनसे गप्पे क्या मार रहे हो? हेलो, किसने कहा तुमसे कि मैं गप्पे मार? मैं पूरब से बात कर रही हूँ ना। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे दोस्त की कुछ दिनों में शादी है और तुमने अभी तक जाकर डिजाइनर से अपना जैकेट नहीं लिया? हाँ मैं वो जा ही रहा था। जा ही रहा था मतलब क्या? तुम्हें शादी के सारे काम करवाने हैं, सारी तैयारियां करवानी है, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो ठीक से। Excuse me, तुम मेरे दोस्त से ऐसे की बात कर रही हो? और कैसे बात करूं? शादी वाले दिन अगर दूल्हे का बेस्ट फ्रेंड तैयार नहीं होगा तो दूल्हा कब तैयार होगा? आपको तनु से शादी करनी भी है नहीं? पता नहीं। आप तो लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूज रहेंगे। लास्ट मोमेंट पे अपना काम करेंगे लेकिन दूसरों को तो अपना काम टाइम पे करने दीजिए। पूरब जाओ अपने कपड़े लेकर आओ। हाँ पूरब तू जा यार अभी। लेकिन ये काम? हाँ एक्चुअली ये काम तेरे बिना कैसे होगा? क्या मतलब इसके बिना कैसे होगा? कोई काम तो खुद करना सीखिए। कोई काम तो मेरे या फिर पूरब के हेल्प के बिना करना सीखिए। लेकिन कुछ नहीं, पूरब जैकेट लेने जा रहा है, उसके वापस आने तक आपको ये काम खत्म करना है। और तुम? हाँ मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। जा रहा हूँ मतलब मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। चलो चलो पूरब एक सेंटू बैठ। एक मिनट दोगी? क्या हुआ? इसे क्या हो गया? ये फूकी ऐसे की बिहेव कर रही है जैसे सुबह से पानी की लाइन में खड़ी थी। मतलब ये कि ऐसे की बिहेव कर रही है जैसे ही मेरी बीवी हो। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।